हाय गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबों का हमारे पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ड्रीम क्लासेस पे बारहवीं के बोर्ड एग्ज़ाम के स्टडी के लिए चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आप लोग को दिया जा रहा है। तो ये आज आप लोग को हम केमिस्ट्री के लेसन एक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो होप सो कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन के बेल को दबा देंगे ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोग के पास कंटिन्यू जाता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और होप सो कि इन सभी क्वेश्चन को एक VBI क्वेश्चन के रूप में समझ कर आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। तो देखिए, लेसन एक में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना पड़ेगा मोलरता क्या है। ये सभी क्वेश्चन जो है एक दो या तीन नंबर के आते हैं, नॉर्मली दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मोलरता क्या है, तो ये सभी बोर्ड के लिए एलिजिबल है जो हिंदी माध्यम से, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी हो, एमपी हो, झारखंड हो, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस अपनी आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से देखिए, अगर हमारे क्वेश्चन मैच करते हैं तो समझिएगा ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मोलरता क्या है स्पष्ट करें तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि किसी बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। यह घोलों के आयतन पर निर्भर करता है। फिर हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे परासरणिदा के, ये सभी क्वेश्चन दो नंबर के आएंगे। फिर आपको तीन ये लॉन्ग क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे, ये अति लघुतरीय, फिर लघुतरीय, दीर्घुतरीय, सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे। और ऑलरेडी 15-20 वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ड्रीम क्लासेस पे डाल दी गई है अपने चैनल, आप अपने यूट्यूब में सर्च करें ड्रीम क्लासेस और कंटिन्यू यहाँ पे आकर विजिट करें। तो परासरणिदा क्या है स्पष्ट करें तो देखिए, आप अपनी कॉपी में धीरे धीरे नोट करते जाइए सबको, मुझे समझाने से बेटर रहेगा कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो समय की बचत होगी। तो परासरणी दाब बिलियन पर आरोपित वह दाब जिसके कारण बिलियन का बाष्प दाब बढ़कर विलायक के बाष्प दाब के बराबर हो जाता है, परासरणी दाब कहलाता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए होंगे और अपनी कॉपी में होप्स हो कि आपने नोट करा होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में ताकि आप लोग के लिए वीडियो जल्दी बनाई जाए। तो क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें, तो ये देखिए चार अंतर हमने आप लोग को लिखाया, आप अपनी कॉपी में चारों अंतर को नोट कर लीजिए। आई होप सो कि आपको ये दिख रहा होगा कि इसकी आकृति निश्चित एवं नियमित होती है, इसकी नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस को समान ज्यामितीय आकृति वाले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और ये नहीं टूट सकता। इसका द्रव्यमानांक अस्पष्ट होता है जबकि इसका स्पष्ट नहीं होता है। इसके भौतिक गुण सभी दिशाओं में भिन्न होता है लेकिन इसका जो होता है वो सभी दिशाओं में बिल्कुल एक होता है। तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस आप बने रहिए इस वीडियो में, इस टॉपिक में। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, दो नंबर का क्वेश्चन है। और आई होप सो कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और है ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर ये नीचे इकाई सेल, और पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को भी कुछ कुछ VBI क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर हम आप लोग के लिए लाए हैं। इकाई सेल क्या स्पष्ट करिए तो देखिए, आकाशीय जालक का सबसे छोटा जिसकी पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल तैयार हो जाता है, इकाई सेल कहलाता है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, वाओ, ये छः नंबर वाला कॉलरॉस लॉ, कॉलरॉस के नियमों को लिखे, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VBI क्वेश्चन के लिस्ट में आप इसको शामिल कर लीजिए कि कॉलरॉस लॉ यानी कॉलरस के नियमों को लिखे। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और देखिए कह रहा है, कॉलरॉस एक जाने माने प्रतिष्ठित रासायनिक शास्त्री थे। इन्होंने किसी विद्युत अपघट के तुल्यांक चालकता एवं उसके धनायनों एवं ऋणायनों के आयनिक चालकों के बीच संबंध दर्शाते हुए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कॉलरॉस लॉ, ठीक है। ये जो इकाई सेल है इससे इंपॉर्टेंट ये है कॉलरॉस लॉ वाला क्वेश्चन, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। और ये हाँ, यहाँ देखिए द्वितीयक सेल क्या स्पष्ट करें, वह सेल जिसे बार बार आवेशित करके उपयोग में लाया जाता है द्वितीयक सेल कहलाता है। और ये द्वितीयक सेल के बाद ये भी क्वेश्चन काफ़ी है इंपॉर्टेंट कि शॉटकी त्रुटि एवं फ्रैंकल त्रुटि में अंतर स्पष्ट करें। तो और भी पीछे है, अभी इसको आप फिलहाल अपनी कॉपी में इतना नोट करिए कि शॉटकी त्रुटि, तो ये धनायन एवं एक ऋणायन अपने निर्धारण स्थान से गायब हो जाता है और इसमें अंतराली स्थान में फंस जाते हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। और चलिए हम लोग पीछे चलते हैं। देखिए ये एक दोष था, अभी एक त्रुटि था, और भी अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए दूसरा नंबर इसी में है शॉटकी वाले में, कि शॉटकी के ऋणायनों का आकार हमेशा समान होता है और यहाँ धनायनों का आकार ऋणायनों से छोटा होता है। तो ये शॉटकी वाले में तीन अंतर हमने बताया
कि शॉर्टकट त्रुटि के कारण इसके घनत्व में कमी हो जाए। देखिए अगर आप हमारी हर एक वीडियो को देखते हैं 11, 12 वाली, तो आप अपनी एक कॉपी नोट अपनी एक कॉपी तैयार कर सकते हैं जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा बिना कोई कोचिंग बिना कोई क्लास के लिए। अगला देखिए, शुष्क सेल की परिसीमाओं को लिखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग को बाद में धीरे धीरे। और देखिए शुष्क सेल की परिसीमाओं को लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन है यन टाइप अर्धचालक को परिभाषित करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। और एक जो हम आपको नीचे बताने वाले हैं नर्नस्ट लॉ, नर्नस्ट का समीकरण जो है, नर्नस्ट का नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुष्क सेल एन टाइप अर्धचालक नर्नस्ट समीकरण, इन तीनों को आप अपनी कॉपी में नोट करिए। पहले शुष्क सेल को नोट करिए, फिर यानी टाइप अर्धचालक को परिभाषित करने वाले क्वेश्चन को नोट करिए, फिर ये नर्नस्ट का समीकरण, इन तीनों को अपनी कॉपी में बिल्कुल ही नोट करना है, मत भूलिएगा। फिर इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए नर्नस्ट का समीकरण, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये देखिए तो हम लोग आते हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत बड़े हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड से स्टडी कर रहे हो तो आप इन सभी क्वेश्चन से बिल्कुल परिचित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सर पढ़ाते हैं, हो सके आपको क्वेश्चन नहीं मिले, आप लोग ट्यूशन कोचिंग यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे लेसन एक बनाया गया, लेसन दो तीन चार पाँच, एकदम ऐसे लेसन बाय लेसन आपको मिलेगा। फिर लेसन एक दो तीन चार पाँच छः सभी के ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इक्वेशन मिलेगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी के मिलेंगे। और फिर जब एग्ज़ाम आप लोग का आने करेगा तो उसके दो एक महीने पहले से आप लोग को गैस क्वेश्चन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हेनरी के नियम की परिसीमाओं को लिखे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हेनरी के नियम की परिसीमाओं को लिखे। और प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि जितने बच्चे हमारे क्वेश्चन को पूरा देकर अपनी कॉपी में नोट करते हैं वो सभी बच्चे हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उन सभी के कमेंट्स को अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उन सभी बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, अपना नाम बताइए, अपना एड्रेस बताइए और बोलिए कि आप हमेशा हमारी वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं, कितना परसेंट देखते हैं, और आप अपनी कॉपी में नोट करते हो या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेनरी के नियम को आप अपने लिख लीजिए, परिसीमाओं को बहुत बार पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनरी के नियम की परिसीमा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच को अति शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांच को अति शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है। देखिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और आप लोगों का प्यार और इतना सहयोग मिलने के कारण हमारी जो टीम है वो 1,00,000 सब्सक्राइबर के एकदम बिल्कुल करीब पहुंच गई है। और प्लीज़ आप लोग अगर थोड़ा सा सहयोग करिएगा, तो अभी 90,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जल्द अगर आप लोग सहयोग करिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे दोस्त अपने दोस्तों को बोलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो 1,00,000 में जल्द कन्वर्ट होगा। और जैसे ही कन्वर्ट होगा हम आप लोग के लिए लाइव शो करेंगे, लाइव वीडियोज़ बनाएंगे और लाइव स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी 1,00,000 पूरा करवाइए, फिर हम आप लोग के लिए लाइव आते हैं, एकदम बिल्कुल लाइव बातें करेंगे आप लोगों से, फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग करेंगे, एकदम जो कहिएगा आप लोग, ठीक है। तो लाइव अगर आप हमें लाइव देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा करिए, और मैं वादा करता हूं कि आप हमारे चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा करिएगा तो हम जल्द ही लाइव आएंगे आप लोगों के लिए। और ये आखिरी क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल क्या स्पष्ट करें, तो ये लेसन वन क्लियर हो गया, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, सबको एकदम पढ़ जाइए, रट जाइए, जैसे करना है एकदम घोर के जो होना है होता है ना उसको पीस के एकदम पी जाइए सारे क्वेश्चन को। और नीचे कमेंट करिए ताकि दूसरी वीडियो आपके लिए जल्दी बनाई जाए। और आज थोड़ा गला ख़राब है, इस कारण से हमारी आवाज़ ठीक से निकल नहीं रही है, इसके लिए सॉरी, पर फिर भी चलिए कोई बात नहीं। प्राथमिक सेल और कांच को शीतलित द्रव क्यों कहा जाता है, तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस टाइप की वीडियोज़ के लिए ड्रीम क्लासेस पे कंटिन्यू जरूर विजिट करिए, ताकि हम आपको इस टाइप की वीडियोज़ के लिए कंटिन्यू परिचित कर सकें। और देखिए अगर आप कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस पे, देखिए एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि कंटिन्यू अगर आप ड्रीम क्लासेस पे विजिट करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे मार्च अप्रैल में तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो अलग बात है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं ज़्यादा कमेंट का आप लोग का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर हर एक के कमेंट को देखता जरूर हूँ, और उन्हीं के कमेंट के आधार पे
आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाती है, क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना हमारी वीडियो को बिल्कुल 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 ना भूलें, और इस टाइप की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस को जल्द से जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर के पास पहुँचा दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।